this show. That's the Lip Sing Battle. We are very excited and I'm hoping that you're excited too. Are you? Yes? We'll try this again. I know it takes a little while. We are extremely excited to introduce the show to you. Are you ready for this? Yes? Ladies and gentlemen, as we proceed in the afternoon, I'd like to take this opportunity to invite on stage the Managing Director of Fremantle Media India, Ms. Aradhana. May I request you to please join me in welcoming her up on stage. जहाँ सबसे बड़े सुपरस्टार्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने और जज होगी ऑडियंस आप लोग में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए इसके लंच का टाइम हो गया है आलोक सवाल है कि exactly, क्या होने वाला है हम देख रहे हैं सितारे डांस कर रहे हैं एंड नहीं एक्चुअली ये डांस शो नहीं है ये एक फ्रेंचाइज शो है लिप सिंक बैटल जो जिमी फैलन ने शुरू किया था अमेरिका का बहुत पॉपुलर शो है इसमें दो सेलिब्रिटीज आते हैं और उन्हें अपने गानों पर परफॉर्म नहीं करना है वो किसी के और के गाने पे परफॉर्म करेंगे और उसका हम उसको मतलब पूरा ही और स्पूफी और फनी बनाकर जैसे विशाल और शान आए थे और दोनों इट वॉज बैटल ऑफ द बप्पीज तो दोनों ही मैं एक्चुअली पूछ क्यों रही हूँ उनको करके बताते ना आलोक ऊपर आओ प्लीज कम आओ नहीं तो मैं आऊँ और यहाँ से कौन आएगा ऊपर आलोक के साथ कौन बैटल करेगा उपाला यस उपाला कम ऑन अच्छा उपाला लेट्स गो चलो दीपिका मैम लिपिका जी अरे भाई लिपिका जी कम ऑन हमारे लिपिका जी कम ऑन देखो आपके नाम से हमने शो लिखा है लिपिका सिंह बैटल दादा ये लड़की नहीं है कट अरे दादा ये लेडीज नहीं है लेडाज है हाँ पता है ना आपको क्या किया आपने माइंड ब्लोइंग थैंक यू लिपिका टू गुड किमी काट करके बाद तू ही है बस यहाँ पर एक्चुअली लिप सिंक बैटल अमेरिका का बहुत बड़ा फेमस शो है जिमी फैलन ने इसकी इजाद की थी और वहाँ दो साल से ये नंबर वन शो चल रहा है तो हमने इंडिया में लेकर इसको लिप सिंक बैटल कर दिया है क्योंकि सिंक आई थिंक लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही थी तो इट्स लिप सिंक तो बेसिकली शो का फॉर्मेट यही है कि दो सेलिब्रिटीज़ आएंगे भले वो बॉलीवुड से हो स्पोर्ट्स से हो म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो या टेलीविजन से हमने बहुत सारे जॉनर्स को मिक्स किया है और मुझे नहीं पता ये क्या लेवल पे लोगों मतलब जब चैनल में मीटिंग होती होगी या उनका सोच होता होगा वो मुझे अब किस नज़र से देखते मुझे नहीं पता उनके थॉट पर ये था कि ये वाला ऑफर बहुत ही जूसी था फ्रेंकली मतलब एक था कि कहीं ना कहीं कि कभी कभी स्लो कर करके मैं आई स्ट्रीम डाउन इट उसको मतलब अब अल्टीमेटली मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना ही नहीं है यू नो अल्टीमेट वही होगा कि मुझे करना ही नहीं है उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता